78 हजार कोटि टंकार 18 प्रकल्पर शिलान्यास हेबो उद्घाटन हेबो एवं लोकार्पण हेबो। अड़सठ हजार कोटि टंकार 18 प्रकल्प, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नाउ विल सी ए शॉर्ट फिल्म ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। आइए इन सारी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं एक वीडियो फिल्म के जरिए। यही सब परियोजना संपर्क में जानिबा एक प्रामाणिक वीडियो चित्र रु। विविधताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत, और ये विविधता और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, भारत का उत्कल प्रदेश जो वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, कला और संस्कृति की प्राचीन विरासत से है समृद्ध, और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगति की गति को बनाए रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए सबका साथ सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकताओं से जुड़ रहे हैं, और आज देने जा रहे हैं ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है। भारत का ऊर्जा केंद्र है ओडिशा, और यहाँ उद्योगों के विकास और बेहतर जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सतत ऊर्जा। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 1600 मेगावाट क्षमता वाला NTPC दल्ली पाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तथा 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनी NTPC की संयुक्त उद्यम कंपनी NSPCL की राउरकेला PP2 विस्तार परियोजना, साथ ही 1320 मेगावाट की क्षमता वाले तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है शिलान्यास। इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजनाएं पर्यावरणीय विशेषताओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन तापीय ऊर्जा परियोजनाओं से बनी आधी बिजली ओडिशा को समर्पित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं जगदीशपुर हल्दिया तथा बोकारो धामरा पाइपलाइन के धामरा अंगुल खंड का,
और शिलान्यास करेंगे मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का, जिससे न सिर्फ ओडिशा में रोजगार के अपार अवसर खुलेंगे, वहीं स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता भी तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले NLCIL तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। अत्याधुनिक संयंत्रों वाली इस तापीय ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटित कर रहे हैं 4 अन्य परियोजनाएं। राज्य के विकास के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं संबलपुर तालचेर रेल लाइन का दोहरीकरण, खोरधा रोड बलांगीर नई रेल लाइन का झाड़तरभा सोनपुर सेक्शन, और उद्घाटित कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 520 का 4 लेन रिमूली कोयड़ा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का 4 लेन वीर मित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास खंड, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का ब्राह्मणी बाईपास राजा मुंडा खंड, तथा बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं शुभारंभ। पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस लोकार्पण कर रहे हैं झारसुगुड़ा डाकघर के पुनर्विकसित भवन, और उद्घाटन कर रहे हैं IIM संबलपुर के भव्य भवन का। साथ ही आज शिलान्यास हो रहा है संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का, जिससे ओडिशा का समग्र विकास हो सुनिश्चित। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े, और बेहतर होती कनेक्टिविटी के साथ राज्य की खनिज संपदा का बेहतर प्रयोग हो सके, उद्योग तेजी से तरक्की करें, राज्य का युवा बेहतर शिक्षा से अपनी सक्षमता को बढ़ाए, राज्य में रोजगार के असीम अवसर खुलते रहें, जन सुविधाओं में बढ़ोतरी से जनजीवन सरल हो। आज प्रधानमंत्री जी ने IIM संबलपुर से ओडिशा को दी है इन परियोजनाओं की सौगात, ताकि विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा ले आकार। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।